हेलो एवरीवन, मेरे ग्री लाइव एंजल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है ये बड़ी खास है। ये वाइट फ्लावर पे है जिससे हमारा मन शांत होता है और आँखों को बड़ा शगुन मिलता है देखने में, तो ये उसी पर है। आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। देखिए आज मैं आपको वाइट कलर के सारे फूल दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं मोस रोज दिखाती हूँ। इस पर ये हाइब्रिड मोस रोज है और कितने सारे इसमें वाइट कलर के फूल हैं। प्लांट छोटे छोटे हैं मगर फूल देखो कितने खूबसूरत बड़े बड़े हैं। और ये रडार मचेरा, ये भी वाइट कलर का ही होता है, अंदर से थोड़ा सा ये येलो होता है, बाकी वाइट ही होता है उसका पूरा कवर। और ये डबल चांदनी, ये भी वाइट ही होती है, कितनी खूबसूरत आजकल खिली हुई है, सभी फूल आए हुए। और ये भी देखो, ये ब्लीडिंग हार्ट, ये भी वाइट ही होता है, इस पर थोड़ा सा रेड होता है। तो और भी दिखाती हूँ आपको वाइट वाले, तो इधर आ जाती हूँ। और ये देखो, ये वाइट कलर का, ये हाइब्रिड बीम का है, तो ये भी कितना खूबसूरत है। इस पर भी काफ़ी सारे फूल देखो बने हुए हैं। तो प्लांट छोटा है मगर इसकी तरफ चारों तरफ से फूल ही फूल नज़र आएंगे आपको। तो इसमें मैंने पिंचिंग कर दी थी शुरू में ही जब मैं लाई थी, तो इसमें देखो कितना घना हो गया ये। और एक ये डेंथस है, ये भी वाइट कलर का ही है मेरे पास। वाइट कलर की वैरायटी काफ़ी सारी है। और ये देशी बिन का है, ये भी वाइट कलर का ही है, इसमें भी कितने सारे फूल आए हुए हैं। और ये देखिए, ये वरुण कैल्सिया है, तो ये भी पहले तो पर्पल होता है देखो फिर वाइट होता है। और मैं आपके लिए काफ़ी खूबसूरत वीडियो लाती रहती हूँ और आगे भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए, अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब दोबारा से मुरैया पे भी देखो फ्लावरिंग बन गई और इतना सारा फूल आएगा इस बार। तो इस पर भी वाइट कलर का, ये देखो अभी तो शुरुआत ही है, आज ही खिले हैं और ये कितने बंच ये भरे हुए हैं। तो ये सारे खिल जाएंगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे फिर बाद में। और इसमें से घी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है धीमी धीमी। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी वाइट कलर का है, ये गोम फ्रीना है, तो इसमें भी कई सारे कलर आते हैं। तो ये मेरे पास वाइट कलर की भी है, ये सुगंधराज और गंधराज भी बोलते हैं इसे, कई सारे नाम हैं इसके। और बिल्कुल मुझे तो ये कमल जैसा ही लगता है। और इतना वाइट जब खिलता है ना शुरू में तो इतना वाइट होता है, और इसकी कैसी पंखड़ियाँ घूमी हुई सी है, बड़ी प्यारी सी लगती है। और मैक्सिकम पिटोनिया भी दिखाती हूँ, उस पर भी वाइट कलर। और ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है मैक्सिकम पिटोनिया, इसको पूरी धूप में भी आप रख दो ये तब भी चलता रहेगा, इसे चार दिन आप पानी भी नहीं दोगे ये तब भी चलता रहेगा। और कहीं भी इधर उधर भी कहीं भी प्लांट कैसी भी मिट्टी में गिर जाए इसका बीज, तो ये वहाँ भी चल जाते हैं, बड़े ईजीली चल जाते हैं। और मेरा एक ये है वाइट कलर का रोज, कुछ अंदर चेहरे का ऐसा येलो है, ये भी वाइट ही हो जाता है बाद में, और कितना खूबसूरत लगता है। एक मेरे पास ये सेवेंथी भी है, ये देखो जो विंटर में भी खिलती है और गर्मियों में भी खिलती है, तो ये अभी गर्मियों में भी बने हुए हैं मेरे पास, देखो कितने खूबसूरत, ये वाइट कलर का। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कलर हैं, और जब ये विंटर में खिलती है तो इसमें इतना सारा फूल आता है, बहुत सारा आता है। और ये छोटे छोटे फूल होते हैं मगर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये पूरा गमला भर जाता है। ये देखिए वाइट कलर का कितना बड़ा फूल है ये, ये मेरा जैस्मिन है, वाइट कलर का, प्योर वाइट है एकदम, कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है। और इसमें कलियाँ भी हैं और कई सारे इसमें खिल भी चुके, बहुत सुंदर फ्लावर है। शंख पुष्पी बेल है, कितनी प्यारी है, और इस पर वाइट कलर का फूल है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू।